इससे पहले जब ये एमपीएम में थे
यही दोस्त, ये जब आए थे क्यों हमें, इनके असासे क्या थे, इनके अकाउंट क्या थे, जब ये पार्टी छोड़ के गए हैं इनके असासे अकाउंट क्या थे और आज क्या है, इनके इनके फैमिली के इनके मुलाजमीन के सारे अकाउंट असासे जा चेक करने चाहिए जो हमारे अदारे पास में मौजूद हैं। फिर आए अपनी सजा भुगते, पहले अपने को पेश करें साहब के लिए अपनी सजा भुगते, फिर आए हिम्मत के लिए बैठे, पाकिस्तान की हिम्मत करना चाहते हैं बिल्कुल करें, पहले अपना एहतसाब और सजा भुगतने के बाद, इस तरह को जो उठेगा वो जो चाहे करेगा, और क्यों नहीं, गरीब बंदा पाकिस्तान में, गरीब बंदा अगर एक जुर्म कर ले उसकी कब्र तक उसको माफी नहीं हो रहा होता है, उसकी कब्र तक उसको नहीं छोड़ते हैं, तो ये लाखों करोड़ों अरबों डॉलर जो खा गए हैं क्या हम इसे माफ कर देंगे, नहीं, बिल्कुल का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पाई का गरीब और मजदूर के पैसों का इनको एक एक हिसाब देना पड़ेगा। सवाल नंबर 5, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही जिक्र करते हैं बोरीबांग नेशनल का, तो इनका साहब कौन देगा, रात से पैसे किस किसने वसूल किए, उनके किस किस अकाउंट में आते रहे, पाकिस्तान के मतलब मेरे प्यारे वतन के मतलब ये क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने बाहर दी, जो कराची के हालात सूरत में आ गए या पाकिस्तान के हालात इस स्टेट पे खड़े हैं कि ये किन किन लोगों का कैसे कैसे ये लोग पहुंचे, ये तो वाजह करें, हम उनसे सवाल कर रहे हैं, जो लोग दुश्मनों को अपने वतन की इंफॉर्मेशन देते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, हमें यकीन बात हम लोग गद्दार ही कहेंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें गद्दारों को पहचानना है पाकिस्तान में, हमें दोबारा पाकिस्तान को उस मोड़ पे नहीं आने देना जहाँ पहले हालात थे। सवाल नंबर 6, तकसीम हिंद के बाद आज तक एक सी तादाद महाजरी की थी, कोई पख्तून, कोई पंजाबी, कोई बलोची, कोई सिंधी, सब यकीनी बात हम हाजिर थे, ठीक है, मगर अब हम सब पाकिस्तानी हैं, जिसके पास आईडी कार्ड है, जिसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है या जिस मुल्क की भी नेशनलिटी होती है वो आपका शहरी होता है, वो महाजर नहीं कहलाता। तो ये लोग आज तक महाजर क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको जेल में डाला गया कि महाजर हो, महाजर के नाम पे इकट्ठा नहीं आ गया इनको, महाजर को ही छोटी चाबुक करा दिया, कुछ चंद थे, बाकी मैं माता चाहता हूँ जो एम के वोटर हैं, जो एम के उनके अच्छे लोग जो उसके, उनको तो नहीं पता कि क्या क्या कर रही है, किस तरीके से हमको बेच रही है, कि हमने किस तरह से काट रही है अंदर अंदर से। कराची में अब कोई महाजर नहीं, सब पाकिस्तानी हैं, हम भी महाजर थे, हम भी पाकिस्तानी बन चुके हैं, आप भी कराची वाले भी, वहाँ के आवाम जो है वो सब पाकिस्तानी हैं, हमारे बहन भाई हैं। हम कराची के माओ बहनों बुजुर्गों से अपील करते हैं, खुदारा महाजर नहीं बने, पाकिस्तानी बने, आप लोगों आप इन लोगों को चालू बना आइएगा, ये वही चेहरे हैं बदल बदल के आपके सामने आएंगे, ये वही लोग हैं जो आपको बार बार परेशान करेंगे, खुदारा इनकी चालू बना आइएगा। सवाल नंबर 7, हम इनके चेहरे को पहचानना चाहिए, अब आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, सिंध की आवाम को इनके चेहरे को पहचानना चाहिए, जिन्होंने मुल्क की सलामी को नुकसान पहुंचाया, इन्हें अब सजा मिलनी चाहिए। हमारी फौज ने बड़ी मेहनत के बाद कराची में अमन कैंप किया है, आम लोग पार्टी पाकिस्तान, पाक आर्मी, रेंजर, आईएसआई को सलूट पेश करती है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके कराची में दहशतगर्दी जराइम कंट्रोल किए और अमन कैंप किया, बलूचिस्तान के हालात को कंट्रोल में किया, वजीरस्तान में ज़रबे अज़ब की कामयाबी में दुश्मनों को नाकुचे ने छुपाए। हमें अंदरूनी ताकत पर अब मजबूत होना है, कोई भी दुश्मन हमें पहली नज़र की तरफ नहीं दे सकता, हमें सिर्फ एक होना है, पाक आर्मी और आईएसआई और रेंजर को जहां भी जरूर पड़ेगी, पाकिस्तान का एक एक शहरी, आम लोग पार्टी का एक एक कार्टन वर्कर उनके साथ खड़ा है इंशाल्लाह। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साहब ने गुफ्तगू की है कैम उन्होंने अनीस कैम खानी साहब ने, उसमें उन्होंने फिर दोहराया कि मैं खसूसी तौर पर दावा देता हूँ सिंधियों को, सिंधी बोलने वालों को, महाजनों को, इसका मतलब है कि फिर वही बात आज 30 साल बाद 25 साल बाद फिर वही नारा वही अंदर से फिर लोग इकट्ठे करेंगे। मेरा ख्याल है अब हमें ये पहचान देना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को भी, कराची के सिंधी की आवाम को भी, कि महाजन के नाम इकट्ठे नहीं होना, पाकिस्तान के नाम में इकट्ठे होना।
और अनीस कैम हमने एक असल जी बोला कि जिसको हदायत होगी वो पार्टी में आ जाएगा। अब मैं बड़े माजर के साथ अनीस साहब से पूछना चाहता हूँ, ये अदारों की हदायत होगी या अल्लाह की हदायत होगी जो इनकी पार्टी में आएगा, ये जरूर वो बताइएगा। ये मेरे आठ अपने सवाल थे। अब हम एक हो जाए, पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। पाकिस्तान को भी आम लोगों ने ही बनाया था, अब बचाना भी आम लोगों ने है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी भी पार्टी में हैं, और पाकिस्तान के बचाव के लिए हमें एक होना चाहिए। उदारा ये जो लोग नारे लगा रहे थे इनको अल्लाह हमेशा बना चाहिए। चंद खानदान थे, अभी भी जो ऐसे खानदान पाकिस्तान में मौजूद हैं जो धरती रूपा मुल्क से बाहर चले गए हैं। कराची के पाकिस्तान के बेशुमार खानदान, हम उन्हें भी कहते हैं कि आप वापस आए। पाकिस्तान मजबूत होने वाला है इंशाल्लाह, पाकिस्तान अपने पैर पर खड़े होने वाला है, सिर्फ हमें एक होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। शुक्रिया जी आपका बहुत।